shifting our focus to some other updates coming in. We're now understanding the SIT has filed a charge sheet against Teesta Sheetalwad in connection to the 2002 Gujarat riots case. Now, as per the charge sheet, we're understanding Teesta hatched a deep conspiracy to frame then Chief Minister Narendra Modi. The SIT adds former IPS officer R.B. Srikumar and Sanjeev Bhatt were part of this entire conspiracy as well. So the agency now claiming that there is a larger conspiracy at play. My colleague Janak now joining us with more details. Janak, charge sheet mein kya kaha gaya hai? चार्ज शीट में जो एसआईटी ने बड़े जो खुलासे किए हैं, वो पहली बात यह है कि पीएम मोदी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म करने और उनकी शाख को पट्टा लगाने की कोशिश पे इस पूरे षड्यंत्र को अमली जामा पहनाया गया था। पूरे स्ट्रेटजी के साथ फर्जी दस्तावेज, फर्जी एफिडेविट के सहारे गवाहों को खड़ा करना, गवाहों उसके मनगढ़ंत गवाहों की मनगढ़ंत कहानी को क्रिएट करना, उसके लिए बाकायदा वकीलों की फौज खड़ी करना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो एक बड़ी साजिश के तौर पे लिखा गया है, वो उसमें तीस्ता शीतलवाड एक चेहरा था, उनके बैकअप में जो दो काम कर रहे थे वो शख्स आईपीएस आरबी श्रीकुमार पूर्व डीजीपी और आईपीएस संजीव भट्ट थे, जो सरकार के एम्प्लॉई थे लेकिन काम तीस्ता के लिए करते थे। फर्जी दस्तावेजों को क्रिएट करना, उनको सरकारी रजिस्ट्री में उसकी एंट्री करना आधिकारिक तौर पे, ये काम उन्होंने की ओर से किया गया। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है, जब एसआईटी ने ईमेल ट्रेस किए हैं, संजीव भट्ट तीस्ता के साथ कांटेक्ट में थे, जबकि संजीव भट्ट पैरेलली दिल्ली के बहुत नामी पत्रकारों के साथ, उसके अलावा कई एनजीओ के साथ और उस समय के तत्कालीन लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ ईमेल से संपर्क में थे, और उनको ये बार बार ये कहा जा रहा था कि आप एमिकस क्यूरी कोर्ट और बाकी लोगों पर प्रभाव डालने की कोशिश करिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर एक नीचे पीड़ित से लेकर जुडिशरी के आसपास जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वहां तक एक सिस्टम को इफेक्ट करने की कोशिश तीस्ता शीतलवाड की ओर से की गई थी। इस बात का खुलासा इस एसआईटी की चार्जशीट में किया गया है। और उसके ऊपर एक जो बड़ी बात आई है कि आरबी श्रीकुमार पुलिस यूनिफॉर्म में थे, बावजूद वो जो विटनेसेस थे उनको धमकाते थे, डराते थे, कहते थे तीस्ता शीतलवाड का कहा नहीं मानोगे तो मुसलमान तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे, आतंकवादी तुम्हें मार देंगे, हमारे साथ तुम्हें आना होगा पीएम मोदी को डिफेम करने के लिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एसआईटी ने चार्जशीट में रखी है। और सबसे बड़ी बात यही आई है कि पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का नाम आया था, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम सामने आया है। कहा गया है कि तीस्ता शीतलवाड और कांग्रेस के नेता मिलकर दंगा पीड़ितों की राहत छावनी में जाते थे और वहां उनको कहते थे कि हम कोर्ट प्रोसीडिंग को बाहर ले जाए क्योंकि यहाँ की जुडिशरी में भरोसा नहीं। तो बहुत सारे एलिगेशन ये कहें कि चार्जशीट में प्रमाण के तौर पर एसआईटी ने हाईकोर्ट के सामने रखे हैं। जी जनक, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहती हूँ। तीस्ता शीतलवाड और उनकी लीगल टीम ने अभी तक ये कहा है कि उनको फ्रेम किया गया है। इस सितंबर में ही 2 तारीख को उनको बेल मिली थी। इस चार्जशीट के खुलासे के बाद बेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, हमें ये समझना होगा, अगर लीगलिटी पे तौर पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र का हवाला देते हुए टेम्पररी बेल दिए हैं और साथ में ये कहा कि रेगुलर बेल के लिए उन्हें हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हियरिंग पहले हाईकोर्ट में चल रही थी लेकिन हाईकोर्ट ने जब लंबी तारीख दी उनकी हियरिंग की बेल के लिए तो तब वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो उनको अभी टेम्पररी बेल मिला हुआ है। रेगुलर बेल के लिए उनको गुजरात हाईकोर्ट में ही आना होगा और जब वो गुजरात हाईकोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अपियर होंगी तो गुजरात हाईकोर्ट में ही एसआईटी ने ऑलरेडी चार्ज कर दी है, तो एसआईटी उस पर विरोध जताएगी कि हमारे सामने इतने प्रमाण हैं, तीस्ता शीतलवाड के खिलाफ इतने प्रमाण हैं और हम ये प्रमाण लेकर आए हैं, चाहे संजीव भट्ट के ईमेल्स हो, उन पत्रकारों के साथ ईमेल हो, उन सिस्टम के साथ जो काम करने वाले अधिकारियों के साथ ईमेल हो, ये सारी चीजें एसआईटी ने कोर्ट के सामने जो चार्जशीट है चार्जशीट के साथ दस्तावेजों में उस चीजों को रखा है। तो अब जब तीस्ता शीतलवाड के रेगुलर बेल के लिए मामला आएगा कोर्ट में, तब एसआईटी इसका जमकर विरोध करेगी और एसआईटी जब जमकर विरोध करेगी देखना होगा कोर्ट आखिरकार उनको किस तरीके से चाहे रेगुलर बेल देती है या फिर जो उनको जो टेम्पररी बेल दिया है उसको रद्द करती है। तो ये आने वाले दिनों में लीगल फॉर्म टर्म पे देखा जाएगा, लेकिन एसआईटी पूरी तरीके से इन दस्तावेजों का जो सीएनएन न्यूज 18 के पास चार्जशीट की कॉपी है उसमें उन सारी बातों का जिक्र है कि किस तरीके से तीस्ता शीतलवाड और बाकी लोगों ने मिलकर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत की सजा हो, इसलिए कितने बड़े पैमाने पर
इसको साजिश कोमली जामा पहनाया गया, इस बात का पूरा खुलासा चार्जशीट में किया गया है। जैसे जनक आप बता रहे हैं कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो किस तरह का ये नेक्सस था, किस तरह का एविडेंस है जो चार्जशीट में सामने आ रहा है? कुछ ईमेल्स के बारे में भी आप बात कर रहे थे, पत्रकारों से जो बातचीत होती थी, की प्लेयर्स कौन है इस नेक्सस के? देखिए, इस बारे में खुलासा अभी एसआईटी ने नहीं किया है। एसआईटी ने यह कहा है कि उनके पास संजीव भट्ट और तिश्ता शितलवाड़ के ईमेल्स और उसके साथ लीडर ऑफ ओपोजिशन, उस समय के गुजरात विधानसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन जो कांग्रेस के थे, उनके साथ ईमेल का कम्युनिकेशन और उनके साथ क्या बातचीत होती थी, तो वो चार्जशीट में उस बात का जिक्र किया था कि एफिडेविट किस तरीके से होनी चाहिए, कौन ये एफिडेविट लेकर कोर्ट में जाएगा, किसको हम आगे करें, ये सारी बातें ईमेल के कम्युनिकेशन में सामने आई है। उसके अलावा जिन पत्रकारों का नाम लिया जा रहा है उनमें एक पैकेट का नाम दिया जा रहा है कि एक पत्रकार को पैकेट दिया गया और उसके बाद ये सिस्टम में मेल में लिखा गया है कि सारी चीजों को सामने लाया जाए और ऐसा प्रभाव बनाया जाए एमिकस क्यूरी पर, उसके अलावा कोर्ट के आसपास के जो लोग हैं उन पर इस तरीके से प्रभाव बनाया जाए कि उस सिस्टम को असर कर सके और जितनी भी एफिडेविट जो फर्जी तरीके से कानूनी प्रक्रिया में लाई गई है उसको जेन्युइन तौर पर मानकर सरकार पर, जो एग्जिस्टिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पर, उसको डिरेल किया जाए। तो एक बड़े पैमाने पर, जो आपने साजिश की बात की, तो बड़े पैमाने पर नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम को किस तरीके से असर किया जाए, इस बात का खुलासा एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में किया है। Janak, thanks a lot for getting us all those details. We'll keep tracking those developments. Time for us to slip into a very short break. But before we do that, for the number one news streaming challenge, you need to log on to youtube.com/CNN News 18 and you can stay up to date with the latest news updates around the world.